बिहार के लखीसराय जिले में स्थित एक हाई स्कूल के हेडमास्टर को कुर्ता पायजामा पहने पाए जाने के बाद जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। डीएम ने जनप्रतिनिधि की तरह दिखने वाले हेडमास्टर की सैलरी भी काटने का आदेश दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में लखीसराय के डीएम संजय कुमार सिंह को निर्भय कुमार सिंह के कपड़ों पर आपत्ति जताते हुए देखा जा सकता है। हेडमास्टर का कुर्ता पायजामा पहनना डीएम को इतना बुरा लगा कि वह छात्रों के सामने ही उसे आपत्तिजनक भाषा में बात करने लगे। छात्रों और कैमरे के सामने ही डीएम हेडमास्टर पर चिल्लाने लगे। वीडियो में डीएम द्वारा हेडमास्टर को फटकार लगाते हुए देखा जा सकता है। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग जिला अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। डीएम ने कड़ी फटकार ही नहीं लगाई बल्कि निलंबन का भी आदेश दे दिया। डीएम ने 6 जुलाई को बालगुदर गांव हाई स्कूल के औचक निरीक्षण के दौरान हेडमास्टर से कहा कि क्या आप एक टीचर की तरह दिख रहे हैं, मुझे लगा कि आप कोई स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, क्या आपको इस पोशाक में एक टीचर पसंद है। डीएम बाद में एक सीनियर अधिकारी से फोन पर बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डीएम ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को फोन कर प्रिंसिपल के पहरावे को नेता टाइप बताया। जिलाधिकारी ने कहा कि आपका प्रिंसिपल मेरे सामने कुर्ता और पायजामा पहने बैठा है, वह छात्रों को पढ़ा भी नहीं रहा, उसका नाम निर्भय कुमार सिंह है। जब टीचर ने अपने मामले में बहस करने की कोशिश की तो डीएम ने उसे चुप करा दिया। जिलाधिकारी ने शिक्षा अधिकारी को मौके पर ही निर्भय कुमार सिंह को निलंबित करने का आदेश दे दिया। साथ ही जिलाधिकारी ने आदेश दिया कि हेडमास्टर की सैलरी भी काटी जाए और उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या भारत में एक स्कूल का टीचर कुर्ता पायजामा पहने वह गुनाह है। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने प्रिंसिपल निर्भय कुमार के सिंह जैसा व्यवहार किया है, क्या वो स्वीकार करने लायक है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों ने भी ट्वीट कर डीएम पर कार्रवाई की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच कहूं।